हेलो स्टूडेंट, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जे नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन। तो एक मैंने सिनेरियो बनाया है। सिनेरियो में मैंने स्विच के साथ 3 PC लिए हैं और एक राउटर लगाया है, राउटर के साथ एक और राउटर और उसके साथ एक सर्वर, फॉर एग्जांपल cisco.com। तो ये वाले राउटर को हम मान लेते हैं ब्रांच राउटर और ये वाले राउटर को मान लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर। ओके, तो सबसे पहले स्टैटिक नेट में क्या होता है कि इसमें हम पहले ही बता देते हैं कि ये वाला जो हमारा प्राइवेट आईपी है, ठीक है, इसको इस पब्लिक आईपी में आप कन्वर्ट कर दो, और ये वाला जो मेरा प्राइवेट आईपी है इसको ये वाले पब्लिक आईपी में आप ट्रांसलेट कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला हमारा राउटर है, ये हमारा लोकल एरिया के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच के साथ, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट राउटर। लास्ट राउटर को हम इज राउटर भी बोलते हैं। तो इज राउटर में क्या होता है कि ना तो यहाँ पे हमारी कोई हम डायनामिक राउटिंग कन्फिगर करते हैं और ना ही यहाँ पे हमारे को हर एक इसको पाथ को बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लास्ट राउटर सिर्फ डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्यों? क्योंकि जहाँ से कोई भी पाथ अगर cisco.com को लर्न करना चाहता है तो वो इसके थ्रू होकर जाए, ये बड़े राउटर के थ्रू, ठीक है, जो कोई अननोन नेटवर्क, ठीक है, तो cisco.com को एक्सेस करना चाहता है तो इसको इसके थ्रू होकर जाए ये बड़े राउटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। ओके, तो क्योंकि हम ISP के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक नेट की, और जितना भी वर्क होगा वो हमारा ब्रांच राउटर के ऊपर ही होगा। ओके, तो ये तो आपको पता ही है कि ये PC है, PC को IP दिया हुआ है मैंने, ये सर्वर है और इनको 192.168.1.0/24 वाले नेटवर्क के हमारे IP दिए हुए हैं। ये 200 वाला नेटवर्क है और ये 170 वाला है। ओके, तो चलते हैं हम नेट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफ़ॉल्ट रूट डालेंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हम करते हैं IP राउट, और यहाँ पे हम देंगे serial2/0, और यहाँ पे अब हमें ये हमने डिफ़ॉल्ट रूट डाल दिए। तो अब हमें क्या करता है, क्योंकि नेट में हमारे को एक और चीज़ है कि हमारे को जहाँ पे बताना होता है कहाँ से ट्रैफिक आया है और कहाँ कौन सा हमारा इनसाइड ट्रैफिक है, कौन सा हमारा आउटसाइड ट्रैफिक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ इंटरनेट फास्ट इथरनेट 0/0 में, और यहाँ पे लिखता हूँ IP नेट इनसाइड और इंटर मारता हूँ। तो यहाँ से देखो कोई भी PC ने ट्रैफिक फ्लो किया है यहाँ से, मान लो, ठीक है, या कोई डाटा सेंड किया। तो यहाँ पे जब ये वाले राउटर के फास्ट इथरनेट 0, तो ये कौन सा डाटा इसको मिल रहा है, मतलब इनसाइड इन हो रहा है यहाँ पे डाटा, और यहाँ पे 2/0 पे सीरियल पे आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 2/0 एंटर IP नेट आउटसाइड और इंटरफेस करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया इनसाइड और आउटसाइड, हमने बता दिया। तो अब हम हमारी जो नेट की स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी, यहाँ से IP नेट ? इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये इसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये बताएगा इनसाइड लोकल। इनसाइड कौन सा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला 192 लिखना है मैंने 168.1.2, और इसको उसके बाद इसका इनसाइड ग्लोबल कौन सा है, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, ये वाला एंटर प्रेस करेंगे। और सेम यहाँ पे होगा कि ये हमारा 4 वाला है, यहाँ पे 3 वाला है, तो इसको किसमें कौन से पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दो, 4 में 200.1.1.4 एंटर प्रेस किया। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या कर दी, नेट की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी स्टैटिक नेट की। तो हम शो कमांड देखेंगे, जहाँ सबसे पहले शो IP नेट
ट्रांजेक्शन और इंटरप्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये दिखा रहा है ये हमारा इनसाइड ग्लोबल है, ये हमारा इनसाइड और ये हमारा लोकल है, कि मैंने ये वाले लोकल आईपी को, ठीक है, ये हमारा जो लोकल है प्राइवेट आईपी है इसको इस वाले पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाएंगे सेम कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पे शो अप स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे ये दिखाएगा कौन सा है, ठीक है, दो ट्रांजेक्शन हुई है अभी तक, दोनों के दोनों स्टैटिक हैं, ठीक है, और आउटसाइड इंटरफेस यहाँ पे 2/0 है, इनसाइड है 0/0, तो अभी हेड कितने बार किया है हमने, 0, क्योंकि अभी जब जैसे जैसे करेंगे ये बढ़ता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम इंटरनेट पी सी से इंटरनेट प्रोसेस करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिस्को सर्विस का आईपी है, ये लिखा है मैंने 171.1.2, तो अब मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ डेस्कटॉप में जाकर, वेब ब्राउज़र में जाकर यहाँ पे लिखूँगा 170.1.1.2 और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखो इसने क्या किया, इसको ये असिस्ट करने लग गया, ठीक है, इंटरनेट को। तो अब मैं जाऊँगा इस वाले पीसी के ऊपर, तो इससे पहले मैं शो कमांड दिखाना चाहता हूँ, शो इंटरफेस ट्रांजेक्शन। तो ये देखो जब मैंने उसको किया तो ये बोलेगा कि ये वाला जो हमारा इनसाइड ग्लोबल आईपी है हमारा, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट आईपी किससे हमारे हो, ये वाला पीसी का आईपी है जिससे हमने रिक्वेस्ट किया, तो ये वाले राउटर ने क्या किया, प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक आईपी में। तो रिक्वेस्ट किसके लिए थी, ठीक है, हमारे cisco.com, तो ये हमारा आउटसाइड लोकल हो गया, ये आउटसाइड ग्लोबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे को जो प्रॉपर डिटेल देगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही करूँगा, सेकंड वाले से एसेस करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सेम कमांड चलाऊँगा 170.1.1.2 और एंटर प्रेस करूँगा, तो इसने भी क्या कर दिया, इसने भी इंटरनेट को एसेस करने लग गया। अब जब मैं थर्ड में जाऊँगा, क्या ये पिंग करेगा, ये इंटरनेट एसेस कर पाएगा 170.1.1.2, एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एंटर कर पाएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में बताया ही नहीं है कि ये 1.4 आईपी है हमारा, ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया कि 1.4 है, इसको ये वाले पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका इफेक्ट थोड़ा, ट्रांजेक्शन एंटर मारेंगे तो ये देखो ये हमने दूसरे वाला आईपी हमारा पिंक करने लग गया, ठीक है, आईपी को इंटरनेट एक्सेस होने लग गया। तो स्टैटिक में जब जाएंगे तो ये बोलेगा 4 ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, और कितने बारी हिट हुआ है, 15 टाइम्स, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हमारे स्टैटिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें हमारे को बताना पड़ता है कि ये वाला नेटवर्क हमारा, ये वाला हमारा प्राइवेट आईपी है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें इस हमारे पहले ही हम सिनेरियो तैयार कर लेते हैं, ये वाले प्राइवेट आईपी को इस वाले पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दो। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।